नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ठनठन गोपाल, परिवहन निगम के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। हिमाचल में अब टीचर बनना आसान नहीं, देना होगा यह इम्तिहान। स्कूल कैसे खुलेंगे, 20% मिड डे मील वर्कर्स को नहीं लगा कोरोना का टीका। प्रॉस्पेक्टस छापना ही भूल गए, प्रदेश के कॉलेज कैसे मिलेगी एडमिशन। उपभोक्ताओं को प्लास्टिक पैकेट में चीनी बांटेगी सरकार, खर्च होंगे 15 करोड़। पैरा ओलंपिक पुरस्कारों की घोषणा करें सभी मुख्यमंत्री, कमेटी ने लिखा पत्र। येलो अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी, 2 अगस्त तक मौसम खराब। और अब समाचार विस्तार से। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अब एचआरटीसी में कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। निगम के इन हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से हर माह 50 करोड़ की ग्रांट दी जा रही है ताकि सैलरी और पेंशन दी जा सके। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना काल में घाटे में चल रही एचआरटीसी में अब कर्मियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। हर माह सरकार की तरफ इन्हें देखना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कर्मियों के लिए हर माह 50 करोड़ की ग्रांट दी जा रही है ताकि सैलरी और पेंशन दी जा सके। इस माह जुलाई में 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ग्रांट भी प्रदेश सरकार की ओर से एचआरटीसी को जारी की गई है। गौरतलब है कि एचआरटीसी में हिमाचल में 8,500 से 9,000 के करीब कर्मचारी हैं और पेंशनर भी हैं। हर महीने इन पर 52 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। कोरोना काल के बाद से एचआरटीसी लगातार घाटे में चल रही है। कोविड के दौरान हिमाचल को 329 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, जबकि कुल घाटा 900 करोड़ का है। ऐसे में निगम को अपने कर्मियों के सैलरी भत्ते, ओवरटाइम समेत अन्य भत्तों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। हिमाचल में अब जेबीटी से लेक्चरर बनने के लिए टैट को जरूरी कर दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिमाचल में यह नियम लागू करने की तैयारी में सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होगा। सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसमें अब अगर किसी को प्राइमरी से लेकर हायर तक शिक्षक बनना है तो संबंधित विषय में टैट की परीक्षा पास करनी होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार यह नई शर्त लागू करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा करने के बाद मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद टैट की लाइफ टाइम वैधता को सरकार बहाल करेगी। अभी शिक्षा विभाग की मदद से आरएनपी रूल्स बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में अभ्यर्थियों को टैट की लाइफ टाइम वैधता किन मानकों के तहत मिलेगी, यह राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा। इससे पहले हिमाचल में टैट केवल प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए ही अनिवार्य होता था, लेकिन अब अभ्यर्थी अपने विषय में परफेक्ट रहें इस वजह से टैट को टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी के लिए भी अनिवार्य करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन पता चला है कि प्रदेश के 20% स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को अभी तक कोरोना का टीका ही नहीं लगा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 20% मिड डे मील वर्करों को कोरोना का टीका नहीं लगा है। राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा सचिव ने निदेशालय को अलर्ट जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव की तरफ से जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि 2 अगस्त से पहले सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगा दी जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिन मिड डे मील वर्करों को टीका नहीं लगा है उन्हें प्राथमिकता के तौर पर टीका लगाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग ने वैक्सीनेशन को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया था। उस ड्राइव में 6% शिक्षक और 20% मिड डे मील वर्करों को टीका नहीं लग पाया। इसी के साथ 7% नॉन टीचिंग स्टाफ भी कोरोना टीका नहीं लगा पाए हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें तो सभी सरकारी विभागों में अभी तक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का टीका ही सबसे ज्यादा हुआ है। इसमें शिक्षकों का 94%, 93% नॉन टीचिंग, 80% मिड डे मील वर्करों को टीका लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग अपने कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहता है। अब जब कॉलेज में दाखिले शुरू होंगे तो ऐन मौके पर छात्रों को फॉर्म ही नहीं मिल पाएंगे, यानी प्रबंधन प्रोस्पेक्टस ही छपवाना भूल गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की तैयारियां कॉलेजों को खोलने को लेकर की गई हैं। देखते हैं यह रिपोर्ट।
प्रदेश के डिग्री कॉलेजों ने दाखिले से पहले एक भी प्रॉस्पेक्टस नहीं छपवाया है। इसके साथ ही दाखिले फॉर्म की हार्ड कॉपी छपवाना भी कॉलेज भूल गए हैं। हैरानी इस बात की है कि अगर कोई छात्र कॉलेज में दाखिला चाहता है तो उन्हें प्रॉस्पेक्टस नहीं मिल रहा है, दाखिले के लिए फॉर्म भी नहीं मिल पा रहा है। इससे सवाल ये उठता है, जब शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दाखिले की सुविधा देने की बात कही थी, फिर कैसे इतनी बड़ी गलती कॉलेज प्रबंधन से हो गई? हालांकि शिक्षा विभाग ने अब सख्ती दिखा दी है। इस वजह से कॉलेजों में 26 जुलाई से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसमें सबसे पहले शिकायत कॉलेज प्रबंधन की तरफ से प्रोस्पेक्टस न छापने की आई है। आरोप है कि प्रोस्पेक्टस ही नहीं छापे गए हैं और छात्रों को फॉर्म की हार्ड कॉपी भी नहीं मिली है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल को तुरंत प्रोस्पेक्टस छपवाने के निर्देश जारी किए हैं। प्लास्टिक पर बेशक बैन लगा हो, लेकिन सरकार अब जब आपको चीनी देगी तो वह इन्हीं प्लास्टिक के लिफाफों में मिलेगी। और तो और, इस पैकिंग पर विभाग 15 करोड़ रुपए भी खर्च कर देगा। देखिए यह रिपोर्ट। सरकारी डिपुओं में अब चीनी प्लास्टिक के बंद लिफाफे में मिलेगी। राज्य सरकार ने दाल, नमक, रिफाइंड की तरह अब चीनी को भी उसी पैकिंग में लाने की तैयारी कर दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग को हर साल चीनी की पैकिंग पर 15 करोड़ तक का खर्चा आएगा। आधा और एक किलो के पैकेट चीनी के लिए बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से सरकार को ये प्रपोजल भेज दिया गया है। एक बार फाइनेंस ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। वित्त विभाग ने तर्क दिया था कि इससे सरकार पर अधिक आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन दूसरी बार विभाग चीनी की पैकिंग का मामला सरकार तक लेकर जाएगा ताकि डिपुओं में करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को शुद्ध और बेहतर क्वालिटी की चीनी मिल सके। दरअसल डिपुओं में खुले में मिलने वाली चीनी बरसात में खराब हो जाती है। वहीं कई बार उपभोक्ता चीनी में मिलावट की बात भी कह चुके हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि चीनी में मिलावट होने की वजह से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले संभावित प्रतियोगियों को आशा की किरण नजर आई है। भारतीय पैरा ओलंपिक के संरक्षक अविनाश राय खन्ना ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने आग्रह किया है कि सभी मुख्यमंत्री ओलंपिक पुरस्कारों की घोषणा करें। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग की है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले संभावित विजेता खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार सहित इनामों का ऐलान किया जाए। पीसीआई के संरक्षक अविनाश राय खन्ना ने मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में ये मांग की है। उन्होंने ये आग्रह कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के पुरस्कारों का ऐलान करने के बाद किया है। इसमें नगद पुरस्कार के अलावा नौकरी और मेडल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक गेम्स दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए ये सबसे बड़ा मंच है। ये गेम्स इस वर्ष 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हो रहे हैं। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। राज्य में 4 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी हुई है। 2 अगस्त तक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में भी कमी आई है। नारकंडा का सबसे कम और पांवटा साहिब का सबसे ज्यादा तापमान रहा है। बारिश के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 200 से ज्यादा लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में हिमाचल में इसी तरह बारिश का दौर है। हिमाचल में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी एवं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 3 अगस्त तक समूचे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान लैंडस्लाइड और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है और सभी जिला उपायुक्तों को सतर्क रहने को कहा गया है। और अब चलते चलते पंजाब के युवकों ने फिर दिखाई दबंगई। चिंतपूर्णी में ढाबा मालिक व वर्कर्स पर किया जानलेवा हमला, 6 पर मामला दर्ज। सीएम आवास की गौशाला का डंगा धसा, 4 भवन खतरे में, 45 लोगों को चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस में किया शिफ्ट। लाहौर में फंसे 72 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले, भारी बारिश बाढ़ ने रोके थे कदम। मटग्रां पुल को बहाल करने के लिए बीआरओ के प्रयास जारी। शादी का झांसा देकर विधवा से दुष्कर्म, बिलासपुर पुलिस में दर्ज करवाया मामला, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। शाम को 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।